नमस्कार चंबल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी डिजर्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप घर पर रखे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं और इसका टेस्ट खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट डिजर्ट बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको थोड़ा ग्राइंडर में डालकर थोड़ा पतला कर लीजिए। और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप मैदा। इसको मैंने पहले से ही छान लिया था। और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप दही। ध्यान रखना दही ज़्यादा खट्टा ना हो। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ध्यान रखना ऑयल सरसों का ना हो। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। पानी एक साथ ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करते जाना है। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ध्यान रखना बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। और जब तक हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं, शुगर सिरप बनाकर तैयार कर लेते हैं, यानी कि चाशनी। इसके लिए मैंने लिया है 1 सॉस पैन और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। और साथ ही डाल रही हूँ 1 कप पानी। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर। आप चाहे तो इसकी जगह येलो फूड कलर भी डाल सकते हो। अभी हम इसमें 1 उबाल आने देते हैं, फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना, बस हल्की सी चिपचिपी पकाना है चाशनी को। और ये देखिए अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है, बिल्कुल हल्की सी चिपचिपी हो रही है, इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं। ये पैन में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम जब तक बैटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूजी बिल्कुल परफेक्ट फूलकर तैयार हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ये गाढ़ी हो गई थी फूलकर। और अब हम इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसको स्टार नोजल से बना रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की नोजल नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो दूध की पैकेट होती है ना, आप उसमें इस बैटर को फिल कर लीजिए और सीजर से उसको कट कर आप सिंपल भी बना सकते हो। ये देखिए ऑयल गरम हो गया है और फ्लेम को हमने लो कर दिया है। ध्यान रखना इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं भरना है। और अब हम इसको राउंड करते हुए इस तरह से डालते जाएंगे, जिस तरह से हम जलेबियाँ बनाते हैं उसी तरह से घुमाते हुए। लो फ्लेम पर डालने पर इससे होता क्या है, इसका शेप एकदम प्रॉपर आता है। और जो हम इसको राउंड राउंड घुमाकर अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड कर देते हैं ना, उससे ये खुलती नहीं है। और इसको पकने में 6 से 7 मिनट लगेंगे। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। ये नीचे से हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इनको पलट देते हैं। ये देखिए हमने इसको दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लिया है और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए इनका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इनको डायरेक्ट चाशनी में डाल देते हैं। और ध्यान रखना चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गर्म होना चाहिए। अगर चाशनी ठंडी होगी तो शुगर सिरप इसमें अच्छे से अंदर नहीं जाएगा, और अगर चाशनी ज़्यादा गर्म होगी तो ये डालते ही सॉफ्ट हो जाएंगी। और इनको अभी हम थोड़ी देर इसी तरह से डले रहने देना है, जब तक हम सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेते हैं।
और ध्यान रखना फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, ये पक तो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से ब्राउन पड़ जाएंगी। ये देखिए ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। और अब हम इस सेकंड बैच को भी इसमें डाल देते हैं और इन्हें भी हम 6 से 7 मिनट चाशनी में अच्छे से डूबे रहने देंगे। और अब हम मिठाई को निकाल लेते हैं चाशनी से। और ये देखिए सेकंड बैच हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया है। और अब हम इसकी गार्निश कर देते हैं थोड़े से पिस्ता और आलमंड से। और ये देखिए बहुत ही जल्दी और आसानी से बनने वाली डिजर्ट मिठाई बनकर तैयार है। और ये देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, यकीन मानिए खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ।